कानपुर बजरिया थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत के बाद परिजनों ने थाने का घेराव कर हंगामा किया। सूचना पर पहुंचे अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन देते हुए मुश्किल में मामला शांत करवाया। थाना बजरिया क्षेत्र में 112 की एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला की मृत्यु हो गई है, इस पर तहरीर प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अभी हमें तहरीर प्राप्त नहीं हुई, तहरीर प्राप्त होने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार करनलगंज निवासी रेखा नाम की महिला शादी विवाह में काम करती थी। इसी काम के सिलसिले में 29 अप्रैल को कानपुर से फतेहपुर गई हुई थी, लेकिन 1 अप्रैल को जिला अस्पताल उर्सला में परिजनों को उसके भर्ती होने की जानकारी मिली, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को घटना के बारे में पूरी बात बताई, लेकिन पुलिस ने मामला फतेहपुर में दर्ज कराने को कहकर टाल दिया। इसके बाद इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने देर रात थाने का घेराव कर कार्यवाही न होने पर हंगामा काटा। सूचना पर SDCP SP समेत सर्कल की फोर्स मौके पर पहुंची और कई घंटों बाद परिजनों को समझा बुझा कर मामला शांत करवाया। इनकी मम्मी कोई श्याम गुप्ता करके हैं, कैटरिंग के ठेकेदार, ठीक है। इनकी मम्मी को बृहस्पतिवार को लेकर के गए, वो बोले कि काम के लिए लिए जा रहा हूँ, काम के सिलसिले में कैटरिंग के काम के लिए। और दो दिन बाद उनका पड़ोस में इनके एक संजय दिवाकर जी करके रहते हैं, उनके पास फ़ोन आया कि आपकी मम्मी की तबीयत ख़राब है या चोट लग गई है, जो भी है। उन्होंने उर्सला में जा कर के भर्ती करवा दिया। उर्सला में जा कर के परिजन और हम लोग सब मोहल्ले वालों ने देखा कि उनकी आँख के ऊपर चोट का निशान है और कान से, दोनों कान से ब्लड आ रहा है, ठीक है। और वो बोलता है कि एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में खरोचे आती है, सब कुछ आती है, ठीक है। उनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई है और उनको बुरी तरह, जब उन्होंने मना किया है तो उनके उनको मारा पीटा गया है बुरी तरह से, उनको उनके ब्रेन हेमरेज हो गया है। इनके पड़ोस में संजय दिवाकर करके हैं, उनके जान पहचान वाले थे, उनके पास फ़ोन आया है कि इनकी माता जी की कंडीशन ख़राब है। भैया हम लोग न्याय चाहते हैं, जो उनके साथ जो गुप्ता जी हैं उनके साथ जितने लोग भी उसमें सम्मिलित हों उनको सजा मिले। परिजनों का आरोप है कि श्याम गुप्ता शादी में काम कराने के लिए लेकर आए थे, जिसके बाद कानपुर से फतेहपुर ले गए। 1 तारीख को पड़ोसी संजय कन्नौजिया को फोन आया कि महिला का एक्सीडेंट हो गया है, जिसका इलाज उर्सला में चल रहा है, जिसके बाद आज उसकी मौत हो गई। उसके सिर्फ सिर में चोट आई है, उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उसको मारा गया है। परिजन रेप होने का आरोप भी लगा रहे हैं। मेरी मम्मी 29 तारीख को श्याम गुप्ता लेने आए थे घर पे कि सालक का काम है। मम्मी ने कहा कहाँ पे काम है, तो उन्होंने कहा यहीं पास ही में है, लेकिन पास में नहीं था, फतेहपुर पे काम था। और जब मेरी मम्मी ने कहा कि 2 दिन का काम है, 2 दिन में आ जाएंगे, और जब हमने अपनी मम्मी को फ़ोन किया तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। और फिर उसके बाद जब ये घटना हो गई है तो फ़ोन मेरे पास नहीं आया, फ़ोन आया था संजय के पास, मेरे घर के बगल में रहते हैं। उन्होंने हम लोग को खबर करी कि आपकी मम्मी के साथ ऐसा हो गया है, और मेरी मम्मी के साथ ये घटना फतेहपुर पे हुई है। और हमको नहीं लगता कि ये एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि मेरी मम्मी को मारने की कोशिश की गई है और वो हम लोग के बीच में है भी नहीं। तो बस हम इतना चाहते हैं कि हम लोग को इंसाफ मिले। बस हम लोग को सूचना ये शनिवार को 1 तारीख को मिली है, 1 तारीख को सुबह 11 बजे। हमें तो बस यही लगता है कि मेरी मारा गया है उनको। हम लोग ये चाहते हैं कि उसने मारा है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जितने हैं उसके साथ में सबको पकड़ा जाए। वहीं पुलिस ने बताया कि एक घटना संज्ञान में आई है, इसमें एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों से तहरीर लेकर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर से नितिन गुप्ता की रिपोर्ट।